हेलो दोस्तों, हम सबको पता है कि बच्चों में किंडर जॉय को लेकर काफ़ी क्रेज देखने को मिलता है, खासकर किंडर जॉय के अंदर निकलने वाले सरप्राइजिंग टॉय को लेकर। ज़्यादातर बच्चे सिर्फ टॉय के लिए ही किंडर जॉय को खरीदते हैं। इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है, जो बच्चों को बहुत पसंद आती है, और इसीलिए किंडर जॉय अपने टेस्ट के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। लेकिन इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने भी अपने बचपन में इसे 3-4 बार ही खरीदा है। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आखिर इसकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों होती है, और इसे फैक्ट्री में कैसे और किन किन चीज़ों से बनाया जाता है? और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कुछ देशों में, जैसे कि अमेरिका ने किंडर जॉय को क्यों बैन किया है, आखिर बैन करने का रीज़न क्या है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो किंडर जॉय को बनाने की शुरुआत होती है इसके व्हाइट चॉकलेट पेस्ट को बनाने से। व्हाइट चॉकलेट को बनाने के लिए कोकोआ बटर, जिसे कि कोकोआ बीन्स को प्रेशर के जरिए निकाला जाता है, साथ ही इसमें चीनी और मिल्क पाउडर को एक स्पेशल टाइप के मिक्सर में डाल दिया जाता है, और इसे अच्छी तरीके से 1 घंटे तक मिक्स किया जाता है, जिससे किंडर जॉय के अंदर डाली जाने वाली व्हाइट चॉकलेट पेस्ट बनकर तैयार हो जाती है। और फैक्ट्री के दूसरे तरफ किंडर जॉय में डाली जाने वाली चॉकलेट बॉल्स को बनाया जाता है, और इसे बनाने के लिए एक कैटल मशीन में हार्ड चॉकलेट को डाल दिया जाता है, और इस मशीन को ऑन कर दिया जाता है, जिससे कि ये कैटल टनल धीरे धीरे घूमती रहती है। इसी बीच इसमें थिक चॉकलेट पेस्ट को डाला जाता है, और कुछ घंटे इसी तरह से घूमने के बाद ये एकदम चॉकलेट बॉल्स का रूप ले लेती है। तो अब ये रेडी है पैक होने के लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि किंडर जॉय 2 पार्ट में पैक होती है, एक तरफ चॉकलेट और दूसरे तरफ टॉय को पैक किया जाता है। चॉकलेट को पैक करने के लिए किंडर जॉय के पैकेट को खांचे वाले कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, और एक बड़े से कंटेनर में वाइट चॉकलेट और दूसरे बड़े कंटेनर में चॉकलेट बॉल्स को डाला जाता है। इसी तरह से ये कन्वेयर बेल्ट पैकेट को लेकर आगे बढ़ती रहती है, और इसमें पहले व्हाइट चॉकलेट को डाला जाता है, और फिर आगे इसमें चॉकलेट बॉल्स को ऐड कर दिया जाता है। तो अब बारी आती है दूसरे साइड की, यानी कि टॉय वाले साइड की, जिसके लिए इन खांचों में मैनुअली हाथों के द्वारा ही टॉयज़ को डाला जाता है। तो अब बारी आती है इनको सील करने की, जिसके लिए इस कन्वेयर बेल्ट पर पहले खांचे में चॉकलेट वाली साइड और दूसरे खांचे में टॉय वाले किंडर जॉय के पैकेट को रख दिया जाता है, और आगे एक पतली पॉलीथीन के ऊपर किंडर जॉय के स्पेशल चम्मच को चिपका दिया जाता है, और फिर इन तीनों को एक मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ ये तीनों मिलकर अच्छे से सील हो जाती है, और फिर इसकी कटिंग कर दी जाती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाती है इस तरह महंगी वाली किंडर जॉय चॉकलेट। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अमेरिका ने किंडर जॉय को बैन किया है। इसका सिर्फ 2 ही रीज़न है। पहला, वहां के लॉ के हिसाब से आप खाने वाले आइटम के साथ कोई खिलौना नहीं बेच सकते। किंडर जॉय स्पेशली छोटे बच्चों के लिए बनाई जाती है, और किंडर जॉय में जो टॉयस होते हैं उनके काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जिससे कि उसे बच्चे द्वारा निगले जाने का डर रहता है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है टैक्स। हाँ, सही सुना आपने, टैक्स। अगर आप टैक्स के थोड़े बहुत जानकार हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि हर तरह के सामग्री का टैक्स परसेंटेज अलग अलग होता है। वैसे ही फूड आइटम और टॉय आइटम का भी टैक्स परसेंटेज अलग अलग होता है, लेकिन कंपनी केवल फूड आइटम के टैक्स पर ही फूड और टॉय दोनों बेच देती है। हालांकि इंडिया में इन सभी चीज़ों की काफ़ी अनदेखी की जाती है, जिससे यहाँ इन सभी चीज़ों पर काफ़ी छूट मिलती है। दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी किंडर जॉय को लेकर क्या राय है, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। अब आपके स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होगी, दोनों वीडियो बहुत ही अच्छी है, वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को ज़रूर देख लें।